भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास के कारण इसको जनता का समर्थन मिल रहा है और बहुत बड़ी जीत इस वजह से हो रही है। देखिए अटेर में कांग्रेस ने इसको सहानुभूति चुनाव के रूप में या कटारे जी की जो सहानुभूति लेने की कोशिश की थी कोई मुद्दे तो कांग्रेस के बाद चुनाव के हैं, इसलिए सहानुभूति के रूप में वो चुनाव वहाँ का हुआ है, पर उस सब के बावजूद भी अभी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है और हम लोगों को विश्वास है कि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अटल में भी जीतेगी, ऐसा विश्वास है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जीत किसी एक व्यक्ति से जीत नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी के लाखों हजारों कार्यकर्ता के परिश्रम से ये जीत हुई है। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई है, धन्यवाद है। और इस चुनाव से ये चूँकि पूरा ट्राइबल सीट है और इस चुनाव से ये सिद्ध हो गया है कि हमारा जो ट्राइबल है मध्य प्रदेश में, ट्राइबल में माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अधिक लोकप्रियता है और इसलिए भारी मतों से वहाँ पर हम लोग लगभग जीते। देखिए कांग्रेस बहुत निराशा के दौर से गुजर रही है और इसलिए कांग्रेस अपनी पराजय को तरह तरह से उसको करने की कोशिश करती है। कांग्रेस हमेशा देश पर राज करना अपना अधिकार समझती थी, वो समझते थे कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है, सत्ता पर अधिकार करने का सत्ता पर अधिकार उन्हीं का है, इसलिए कभी दूसरों की सत्ता उन्होंने स्वीकार नहीं की। अब एक निराशा और फ्रस्ट्रेशन का दौर है, इसलिए कांग्रेस अपनी पराजय को जनता का अविश्वास न मानकर तकनीकी पर अविश्वास करने का काम कांग्रेस कर रही है। EVM से पूरे दुनिया में चुनाव हो रहे हैं, पूरे भारत देश में हो रहे हैं, हम लोग हारे तब हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि EVM के कारण हारे, और इस EVM जो है वो एक अच्छी प्रक्रिया है मतदान की, जल्दी मतदान होता है, जल्दी मतगणना होती है, निष्पक्ष होता है, और चुनाव आयोग ने तो चुनौती दी है कि इसमें आप कहीं पर भी कोई अगर टेक्नोलॉजी में कुछ कमियाँ निकाल सकते तो आप बताएं। तो कुल मिला के अमरिंदर सिंह पंजाब में कह रहे हैं कि EVM बहुत अच्छी है, वहाँ चूँकि कांग्रेस जीत गई, जहाँ कांग्रेस आ गई वहाँ EVM खराब है, तो अपनी कमियों को EVM पर डालने का काम कांग्रेस कर रही है।